देखिए, ये काफ़ी खुशी की बात है कि बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था ठीक आज से एक वर्ष पूर्व, एक वर्ष के बाद ये उपचुनाव हुआ। और आपको मैं बता दूं कि ये दो जगह जो उपचुनाव हुआ है, तारापुर का सीट जमुई लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है और कुशेश्वर स्थान का सीट समस्तीपुर लोकसभा के अंदर पड़ता है, जहाँ कुशेश्वर स्थान से हमारे सांसद हैं प्रिंस राज जी, LJP के, अब तो RLJP हो गया के सांसद प्रिंस राज जी हैं, और जमुई के सांसद हैं चिराग पासवान जी। लेकिन हमने दोनों सीट हमारी जीत हुई। हम लोग NDA गठबंधन के पार्ट हैं, NDA गठबंधन में 5 दलों का गठबंधन है, भाजपा है, JDU है, RLJP है, VIP पार्टी है और जीतनराम मांझी जी की पार्टी है, 5 दलों का मिश्रण है, पांचों पांडव है। और हमारी जीत, ये मैं शुरू से भी कहता था कि निश्चित रूप से हमारी जीत होगी, और हम लोगों ने, हमारी पार्टी के लोगों ने काफ़ी मेहनत किया और 6-6 जगह प्रोग्राम हम लोगों का हुआ, पूरे दोनों विधानसभा क्षेत्र में 6-6 प्रोग्राम हुआ, और RLJP का लोग बढ़ चढ़ के, हमारी पार्टी के जो लोग थे बढ़ चढ़ के हम लोगों का मेहनत हम लोगों ने किया और उसकी उसके मैंने सफलता मिली। इसके लिए मैं सबसे पहले तो बिहार की जनता को मैं अपने तहे दिल से, हार्दिक दिल से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनके वोट से उन बिहार में सत्ता परिवर्तन की, जो विरोधी दल के लोगों ने कहा था, विरोधी दल के लोग कहते थे कि 2 सीट हम जीत जाएंगे तो बिहार में सरकार बदल जाएगी, लेकिन हमारी अपनी मान्यता है, मेरा कहना है कि विगत 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो प्रधानमंत्री पद का कोई नया वैकेंसी नहीं है। प्रेजेंट में जो माननीय हमारे आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, 2024 में अजय बहुमत से फिर वही दोबारा देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और 2025 में जब विधानसभा का चुनाव होगा बिहार विधानसभा का, तो फिर बिहार में जो लोकप्रिय नेता हैं आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, उन्हीं के नेतृत्व में पुनः सरकार बनेगी। इसलिए न तो प्रधानमंत्री पद का वैकेंसी है, न मुख्यमंत्री पद का वैकेंसी है, और ये विपक्ष के लोग जो हैं वो दूर दूर तक कहीं भी कंटेस्ट में नहीं है। आप सेंट्रल की राजनीति देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी की क्या स्थिति है, और बिहार की आप आज स्थिति देख लीजिए, जो गठबंधन था कांग्रेस का, जो गठबंधन था RJD से, आज से लगभग मैं समझता हूँ 20-22 वर्ष पहले RJD और कांग्रेस का गठबंधन था, वो गठबंधन टूट गया, मज स्वार्थ के चलते गठबंधन टूट गया, कांग्रेस अलग फेंका गया, RJD के लोग अलग फेंका गए, और RJD में भी घर में मतभेद हो गया। तेजस्वी मैं बता रहा हूँ, तेजस्वी यादव जी और तेज प्रताप जी दोनों सहोदर भाई हैं, लेकिन दोनों में मतभेद है। तेजस्वी यादव RJD की प्रचार कर रहे थे तो तेज प्रताप यादव कांग्रेस की प्रचार कर रहे थे। अब जहाँ तक लालू जी का आपने प्रश्न किया, तो अब लालू जी देश के नेता तो जरूर हैं, इसमें हम दो राय नहीं है, लेकिन अब वो अधिक उम्रदराज हो गए, काफ़ी बीमारी से परेशान रहते हैं और परिवार की लड़ाई से भी परेशान रहते हैं, उनकी पार्टी टूट गई तो वो क्या करेंगे। 4 वर्ष के बाद बिहार में गए और लोगों को उम्मीद थी कि लालू जी गए हैं तो वोट का बढ़ोतरी होगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो हम लोग अपना समीकरण है उसके हिसाब से लालू जी के जाने के बाद वोट में कमी आया, फिर से लोगों को पुनरावृत्ति हो गई 1990 से लेकर 2005 की, को याद आने लगा कि जिसमें वो कहते थे बनिया बेकाल, जो आज उनके दल के उम्मीदवार हैं अरुण कुमार शाह जी उसी कम्युनिटी से हैं, जब जिसमें लालू जी सत्ता में थे तो कहते थे ये लोग बनिया बेकाल। तो शुरू से ही जो पिछड़ी जाति के लोग थे, अति पिछड़ी जाति के लोग थे, वो भयभीत थे RJD के शासनकाल से। तो जब लालू जी का भाषण हुआ कुशेश्वर स्थान में और तारापुर में, फिर लोग भयभीत हो गए कि कहीं कहीं पुनः सत्ता में आने के बाद फिर हम लोगों को 2005 के पहले की परिस्थिति में नहीं जाना पड़े। तो इसलिए लालू जी के चुनाव प्रचार में जाने से RJD को फायदा नहीं हुआ, मेरे हिसाब से RJD को घाटा हुआ। और ये जो रिजल्ट हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के
के द्वारा जो पूरे देश में विकास की बात वो करते हैं और विकास किए भी हैं, और माननीय नीतीश कुमार जी एक मात्र नेता हैं बिहार के जिसको पूरा देश जानता है कि ये विकास पुरुष हैं। और मेरे हमारी जो समझदारी है उसके हिसाब से नीतीश जी की नीति और नियत दोनों बिल्कुल साफ है, उनकी नीति भी साफ है और नियत भी साफ है। उनका नियत बिल्कुल साफ है, वो चाहते हैं कि बिहार का रियल में विकास हो। जिस नेता का नियत साफ होगा तो निश्चित रूप से उस स्टेट का कल्याण होगा, विकास होगा। और आप देखिए, ये 16वां वर्ष है नीतीश जी का बिहार में मुख्यमंत्री बने हुए। आप 16 वर्ष के अंदर में देखिए, बिजली कभी देखने को नहीं मिलता था, बिजली के लिए लोग ललचाता रहता था कि बिजली आए तो लोग कहता था भगवान आ गया। आज बिजली गांव में भी, सुदूर देहात में भी भारत सरकार के प्रयास से और बिहार सरकार के प्रयास से 24 घंटा में 22 घंटा बिजली उपलब्ध है। शहरी क्षेत्र में 24 घंटा में 24 घंटा उपलब्ध है। किसान परिवार के, गरीब परिवार के जो लोग थे, अपने बच्चे को, बेटी को स्कूल नहीं भेजते थे लॉ एंड ऑर्डर के डर से, साधन की कमी थी। माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि नहीं, चाहे गरीब हो अमीर हो, सबका बच्चा पढ़ेगा, सबकी बेटी पढ़ेगी। उन्होंने साइकिल की व्यवस्था किया बच्चों को स्कूल जाने के लिए, पोशाक की व्यवस्था किया, उन्होंने किताब की व्यवस्था किया, और जिस बच्चे का अच्छा रिजल्ट हुआ उसको उन्होंने अलग से छात्रवृत्ति भी दी। आज पूरा बिहार देखिए, रोड की मामला ले लीजिए तो रोड में पूरा बिहार अभी एक नंबर में है, घर घर रोड हो गया। एक सवाल इसलिए बनता है आपसे कि चूंकि आप बहुत नज़दीक से जानते हैं, कई सालों तक वास्ता, चिराग की पार्टी की स्थिति कैसी रही बाइपोल में? देखिए, LJP का तो माननीय पासवान जी संस्थापक थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, और 28 नवंबर 2020 को लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना हुई थी। उस समय से मैं आज तक उस पार्टी का मैं कर्ता धरता रहा हूँ, और मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ, और मेरे ही द्वारा बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी का संगठन किया गया, उसमें मैं प्रदेश का अध्यक्ष हुआ करता था। आज मैं अधिक विवाद में नहीं जाऊँगा, लेकिन बिहार की जनता ने चिराग पासवान जी को नकार दिया। आज से साल भर पहले जो चुनाव हुआ था उसमें तारापुर में लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार को 12,500 वोट आया था, और कुशेश्वर स्थान में 13,500 वोट आया था। आज वो स्थिति नहीं रही, जबकि उन्होंने काफ़ी मेहनत किया, घर घर वो गए, बरसात में भींगते हुए गए, हेलीकॉप्टर से गए, पैदल गए, पदयात्रा किए, सब काफ़ी मेहनत उन्होंने किया, फिर भी 5,000 में सिमट गए, उनकी कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। वजह क्या है? वजह तो आप ये उनसे पूछिएगा, हम तो अपनी पार्टी के बारे में बताएंगे कि हमारे नहीं, अब तो हमारे साथ वो नहीं है। आप हमारे दल के बारे में पूछिए तो मैं आपको बता दूंगा उनके दल में क्या कमी हुई है, ये तो उनसे आप पूछिए। उनको पश्चाताप करना भी चाहिए और खोजना चाहिए कि कहाँ उनमें कमी हुई है जो आज उनकी पार्टी बिहार में किसी लायक नहीं रहा। इसलिए आज मैं आपके माध्यम से पूरे बिहार की जनता को तहे दिल से, हार्दिक दिल से जीत के लिए मैं बधाई देता हूं, और माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी को भी मैं तहे दिल से बधाई देता हूं। और जो उम्मीदवार जीते हैं, राजीव कुमार सिंह जी और अमन हजारी जी, मैं दोनों को भी आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई, जीत की बधाई देता हूं।